इसे तक तुमने अभी तक कुछ शॉपिंग नहीं की, चलते करवा लाता हूँ ये वो। ये रहा सारा जो जो मैंने। हाँ जी, तो कैसे हो आप सब, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी अपनी सहिता। सो आज का व्लॉग बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल है, आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया ही है ना, और वो इतना ज़्यादा है ना क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस पैकेज को खोलने के लिए, उसमें से चीज़ें देखने के लिए। तो मुझे लगा जो जो मैंने शॉपिंग की है वो आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए कि बेबी की शॉपिंग भी अब तो टाइम आ गया, अब तो बहुत जल्दी हमारा बेबी भी आने वाला है, जिसके लिए आप सबको भी इंतज़ार और मुझे तो भाई बेसब्री से है ना, क्योंकि पूरे 9 मंथ्स की जर्नी में मैंने बहुत अप्स डाउन देखे हैं। मतलब 9 तो आएगा बट इतने अप्स डाउन देखे ना, वो मुझे पता है। सो हर माँ को सलाम है, बट कोई ना, हर पल को हम खुशी खुशी एंजॉय करेंगे। बट ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, हम करते हैं चैनल को सब्सक्राइब, और प्लीज़ ये वाला ब्लॉग ना पहले ही लाइक कर दो यार, फिर भूल जाते हो आप लोग। लाइक, कमेंट, शेयर, जो जो करना है, और नोटिफिकेशन ऑन कर लो। और नए देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, और खूब सारा प्यार देते हो और देते रहना। मतलब मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं कितनी फास्ट बोलने लग गई, फिर अचानक से मेरी सांस फूलने लग गई है ना। तो चलिए आज वो वाला जो मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है मुझे, मैं क्या बोलना है क्या नहीं। बट उसके पहले मैं आपको बता दूँ, आइसक्रीम ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं खाऊँगी आइसक्रीम खा के उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी वो कार्टून, उसकी सारी चीज़ें, एक एक चीज़ें कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है, कैसे क्या हुआ है, सारी चीज़ें। मतलब जस्ट वाओ, मज़ा आने वाला है खूब सारा। आप समझ सकते हो ना मेरी एक्साइटमेंट लेवल, क्योंकि दिन जैसे जैसे नज़दीक आ रहे ना, धड़कन तेज हो रही है, धक 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 ऐसे हो रही है। तो आप लोग खूब सारा प्यार देना, खूब सारी ब्लेसिंग देना। तो चलिए आइसक्रीम खा के फिर हम मिलते हैं बाहर आप लोगों से, वहाँ वो कार्टून को लेके आएंगे, फिर यहीं पर सेट करेंगे पूरी सारी चीज़ें है ना, फिर आपको अच्छे से एक 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 चीज़ दिखाऊँगी मैं। क्योंकि मुझे तो पता ही है इसके अंदर क्या है। सो किस बात की देरी है, हम उसके दिल से ओपन करते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या होती है पता है, कि इस टाइम पे हम ना बाहर नहीं जा पाती है, मतलब मैं तो नहीं जा पाती हूँ बाहर जाके शॉपिंग करूँ, मेरे बस का नहीं है। तो मैंने कुछ ऑनलाइन में ही ऑर्डर किया है, तो अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं आपके साथ रिव्यू ज़रूर दूंगी। और सबसे अच्छी बात है कि मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें शॉपिंग की हैं। तो ये बेबी शॉपिंग पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कितने भी आ सकते हैं, जैसे जैसे सामान आएंगे वैसे वैसे मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और हाँ, मैंने इसलिए शॉपिंग कर ली क्योंकि बेबी आने के बाद तो मैं तो बिल्कुल भी बंद हो जाऊँगी, कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो मुझे लगा मैं पहले ही फटाफट से मेरा सारा काम कंप्लीट कर लेती हूँ, शॉपिंग का घर भर लेती हूँ, कमरा सजा लेती हूँ, जो जो मुझे करना है सारा कर लेती हूँ, क्योंकि अब तो बस उंगलियों में गिनती के दिन बची है। तो किस बात की देरी है बताओ। तो चलिए देरी नहीं करते हुए इसको लेके चलते हैं हम रूम में, फिर इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। टेंशन मतलब मैं नहीं लेके जाऊँगी, राम सिंह भैया कोई भैया ही लेके जाएंगे इसको, हम रूम में रखा के फिर आपसे मिलते हैं। ये रहा मेरा कार्टून, अब इसको हम करते हैं पूरा चीर हरा दिन, इसके अंदर का खजाना जो निकालना है यार। इतना अच्छा लग रहा है ना, इतने कब हेमन छोटा था तब मैंने शॉपिंग की थी बच्चों की, और अब फिर से मैंने शॉपिंग की और मेरे घर पे इतने सारे सामान आ रहे हैं। इतना ज़्यादा मतलब खुश भी हूँ, थोड़ा इमोशनल मोमेंट भी है, और एक्साइटेड भी बहुत हूँ। और मुझे पता है आप सब भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो है ना, होंगे यार, हम सब एक्साइटेड होंगे, क्योंकि ये जो मोमेंट होते हैं ना बहुत स्पेशल होता है, हर माँ की लाइफ का बहुत स्पेशल मोमेंट होता है। और मैं यही प्रे करूँगी कि हर माँ को ये सुख मिले, हर माँ को अपने बेबी के लिए शॉपिंग करने के लिए ये टाइम मिले। देखो मेरा डायनासोर आ गया। हाँ, इसके अंदर क्या है पता है आपको क्या है? आपके भाइया बहन के लिए शॉपिंग की थी मैंने। रुको दिखाऊंगी इसको, तो आपसे भी ज्यादा जल्दी है। मैं रुक जा, मैं खोलूंगी। नहीं, 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 मैं खोलूंगी। तो बड़ा भाई को बन रहा है पहले। यार ये तो
अभी तो हर हाथ कर जाएगा ध्यान से, अभी हर चीज में मुझे ब्लैकमेल करेगा, हर चीज में। धीरे 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 लगे सर। ये बहुत सारी, रुको खोलना नहीं, ये देखो कितने सारी चीजें मंगाई हैं मैंने, है ना। वाओ वाओ, ये गर्ल्स है, ये बॉयज है ना। नहीं देखते हैं ना इसके अंदर में क्या क्या है क्या क्या नहीं है, हम देखते हैं इसके अंदर। देखते हैं ना। इतनी जल्दबाजी नहीं, रुक जाओ, रुक जा राधे सर, देखो खोलना है। रुको, ये तो मुझसे भी ज्यादा एक्साइटेड है। इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, पता है आप लोगों को, मैं आपको सारी दिखाती हूँ। रुको रुक जा, खोल ले खोल ले खोल ले खोल। डाइपर, बेबी डाइपर। ओह ये आपको, ये ना आप बड़े भाई को नसु सुपोटी, आपको क्लीन करना है बेबी मैं। हाँ, जहाँ पे बाबू छोटा बाबू सुसु करेगा वहाँ पे बड़ा भाई सोएगा और छोटा बाबू बड़े भाई की जगह पे सोएगा। सिंपल। नो स्मेल लिखा है बेबी। ये बेबी के सारे ब्रश देख, पिंक आया है, ये पिंक आया है, क्या लगता है आपको? अब बॉय हो गया तो, बॉय हो गया तो हम उसको पिंक ही कराएंगे ना। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो चलिए हम इसको खोलते हैं। ओ ये तो मैं लेता था पहले। बहुत ही सुंदर सी बैग आई है ये, पहले गाइस मैं लेता था। अभी भी आपको मैं शबा मेड की प्रोडक्ट यूज करवाती हूँ, इसीलिए मैंने अभी भी शबा मेड की प्रोडक्ट मंगवाए हैं। ठीक है, ये भी गएगा भाई, अब तो छोड़ दे ये मेरे। ये देख डायपर भी है, कितना सुंदर है ना, सारी चीजें है। क्लोज भी कितने प्यारे हैं, एक सामान बताती हूँ क्या क्या मैंने किया है ना। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ यार, इतने ज्यादा खुश हूँ ना देख के, मतलब जस्ट वाओ है, जस्ट वाओ। तो चलिए आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करती हैं। सबसे पहले देखो, गर्मियों का टाइम है तो ये मैंने छोटे छोटे से, हम तो इसको ना झुग्गे बोलते हैं, छोटे बेबी के झुग्गे बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं नहीं बताया मुझे। और ये मैंने ना 6 पीस की, 1 2 3 4 5 हाँ 6 पीस के पूरा सेट आया है, जो कि बहुत ही प्यारा है। गर्मियों में ना बच्चे इसी में कम्फर्टेबल होते हैं, तो मैंने ये वाला शॉपिंग कर लिया था। ये है छोटे बेबी का कम्फर्टेबल वाला मी के हैंकी, वो पहुंचना पड़ेगा ना पापा। और ये सेबामेड के मैंने लोशन क्रीम और क्लींजर मंगाया है बाल। और मैं आपको बता दूं, जो मेरा हेमन छोटा था ना, तो मैंने हेमन को स्टिल अभी तक ही मैं सेबामेड के ही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है सेबामेड के प्रोडक्ट्स। ठीक है, और ये है मीकी शीट, ड्राई शीट, जब बेबी सुसु करता है तब इसको ड्राई ऑब्जर्व जल्दी हो जाता है, तो ये तब से चल रहा है, तब तो ये वैसे भी चलेगा। ये फुल बेड में जो लगता है ड्राई शीट, अब तो हमारे बेड में भी यही लगने वाला है। और ये है बहुत ही सॉफ्ट वाला टॉवल है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है ना, छोटे बेबी का बाथ टॉवल है, कितना प्यारा सा लग रहा है ना। और ये है क्योंकि आगे गर्मियों का टाइम आ रहा है, तो गर्मियों में क्या होता है कि बेबी को कहीं पर भी लेके जाओ तो अपने ऐसे पैक कर लो, ऐसे पैक करके फिर ऐसे बेबी को ले लो। ये आजकल बहुत ज्यादा चल रखा है कि डायपर तो यूज होता ही है आजकल, ये ना वॉशेबल वाला डायपर चल रखा है जो कि ये है, तो मैंने एक बार एक ट्राई करने के लिए मंगाया है। तो देखो ये, मतलब मैंने बहुत ज्यादा सुन रखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके अंदर से ये ऐसे है, काफी अच्छी चीजें इसके अंदर से, ये देखो ये ऐसे शीट निकल आती है, वाह अच्छी है, मोटी मोटी सी है। और 2-3 बार जो छोटे बेबी की टॉयलेट होती है वो सोख कर लेती है ये, तो बहुत ही अच्छी है। अब मैं इसको यूज़ करूँगी, उसके बाद ही मैं आपको रिव्यू दे पाऊँगी इसका, तो बाकी दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। और आप ऐसे इसको आराम से इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो मी का वाइप्स है,
नहीं ही मैंने मेरे हेमंत को पहले भी यूज किया था। ये ड्रेस देखो ना यार, ये मैंने एक मतलब मंगवाया है एक बार एक ही कि भाई देखते हैं क्या कैसे होता है। तो बहुत ही सुंदर सा है, वाइट कलर में है और इसके साथ ये है जो कि इसके हैंड वाले भी हैं और टोपी भी है वाइट कलर के मैच। ये इसमें छोटे बेबी का सारा सामान है जो कि जरूरी सामान चाहिए होता है हमको, ब्रश, कॉम, नेल कटर, टूथर, नाइफ, वो क्या बोलते हैं, सीजर, नेल फाइलर, सारी चीजें हैं इसमें, है ना। अब यहाँ कुछ मैंने मेरे सामान भी मंगाए हैं, ठीक है, जो मैटरनिटी पैंटीज होती है या फिर कुछ वो होता है, ये ब्राह है और फिटिंग ब्रा। ये एक वो बेल्ट टाइप का आता है जो आफ्टर प्रेगनेंसी हमको वेयर करने से, जो सी सेक्शन से या नॉर्मल से हमारी डिलीवरी होती है तब उसको बहुत ज़्यादा नीड होती है, तो इसको बांधने से पेट आगे नहीं आएगा तो ऐसा होता है, ठीक है, ये सारा दिखा दिया। और ये तो वो है डायपर पैंटीज, वो क्या बोलती हैं, डायपर पैंटीज ही बोलती हैं, कंफ्यूज हो गई मैं। और ये देखो, ये हमने बड़ी मुश्किल से इसको हैंग कर रखा है क्योंकि ये हैंग हो नहीं रहा था। ये पूरा इसके अंदर वो है, पूरा जाली का है, बच्चा इसमें कहीं पे भी आप इसको टंगा के बच्चे को इसमें सुला के और पूरा मच्छरदानी से कवर कर सकते हो, बच्चा इसमें बहुत ही आराम से सोता है। बहुत ही बेस्ट क्वालिटी है ये, बहुत ही बेस्ट। ये तो आपके सामने है और ये डलिया तो मुझे बहुत अच्छी लगी है, कहीं पे भी जाओ आप इसको कैरी करके लेके जाओ, सारा सामान इसमें आ जाता है, बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही शानदार वाली है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये वाला सुपर क्वालिटी है, सारी चीजों की बहुत बहुत अच्छा लगा है मुझे, एकदम मजा आया मुझे भी सारी चीजें। अब आपको इनमें से कौन सा ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट जरूर जरूर बताना। और भाई इतने साल बाद का मेरा एक्सपीरियंस हो रहा है, धड़कने भी तेज हो रही है, पता नहीं मैं कैसे क्या मैनेज करूंगी, कैसे क्या होगा बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही हैं। और मुझे लगता है कि जो भी न्यू मम्मी है ना वो भी सारी की सारी ऐसे ही सोच रही होंगी, क्योंकि मेरा भी पूरा 10 साल बाद का एक्सपीरियंस है, तो ये मान लो वापस गाड़ी न्यू ही स्टार्ट हो रही है, पुराने वाली का कुछ भी रोल नहीं है यहाँ पे, है ना, क्योंकि बैक टू बैक होता तो एक अलग बात है। और ये मैंने फिटिंग मंगवाई है नाइटी, मैंने देखा कि एक बार देख लेते हैं एक कैसे आती है, अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं और मंगवाऊंगी। ये देखो अच्छी है, कॉटन की है, ठीक है। और ये बैग, ये तो बहुत ही प्यारी है, कसम से बहुत प्यारी है, कितने सारे चेन है देखो यहाँ पे, एक इस साइड में, एक इस साइड में, एक फिर यहाँ पे, मतलब चारों तरफ में है। तो सारी चीजें ना इतनी ज्यादा बेस्ट हैं, इतनी ज्यादा बेस्ट कि दिल खुश हो गया, कसम से दिल खुश हो गया, मजा आ गया। तो आप लोगों को कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा वो भी मुझे बताना, और ये ऐसे ही रखूँगी, जेठू जी का भी एक्सप्रेशन आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो इन सबको देख के क्या रिएक्शन देते हैं, है ना, क्योंकि उनको नहीं पता है कि मैंने इतना कुछ शॉपिंग कर लिया है वो रोज़ मुझे पूछते हैं, सही तो शॉपिंग करने नहीं जा रहे, तेरे को कुछ खरीदना नहीं है, तो मैंने उनको बोला रुक जाओ मैं बता दूंगी सारी से होंगी। और ये जो डायपर में है ना, ये देखो ये एडजस्टेबल वाला है, मतलब आपका बेबी हेल्दी है कितना है उस हिसाब से इसको ये एडजस्ट कर पाओगे आप। ये देखो ये ना अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रखा है, तो मैंने सोचा था यार एक तो मैं भी ट्राई करने के लिए मंगाऊं। तो ये सारा का सारा सामान आप लोगों के सामने है, अब वेट करते हैं हम जेठू जी का कि उनका रिएक्शन क्या होता है। मैंने कलर कैसा मंगवाया वो जरूर बताना, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कि पिंक करूं कि ब्लू करूं, पता नहीं ना मुझे कि अंदर वाला बॉय है कि गर्ल है, गॉड नोज। तो इसीलिए फिर मैंने ये रेड कर दिया, मतलब रेड भी नहीं है, मैरूनिश है, अच्छा लग रहा है ना, दिखने में भी बहुत ही प्रिटी सा लग रहा है। और कुछ चीजें जैसे मैंने ये वाली मंगाई, पिंक मंगाई, कहीं कहीं धड़कन तो वहीं रुकी हुई है, अब देखते हैं। तो हम वेट करते हैं जेठू जी का, उनका क्या रिएक्शन होता है वो भी आप लोगों के सामने दिखाते हैं, है ना। अब मैं बुलाती हूँ मेरे पतिदेव को कि उनको तो पता ही नहीं है कि मैंने ये सारी शॉपिंग की है, वो मुझे रोज बोलते हैं कि सीता तूने अभी तक कुछ शॉपिंग नहीं की, चल तो करवा लाता हूँ ये वो, रो जाओ सब हो जाएगा सब हो जाएगा। तो चलिए आप उनको बुलाते हैं और उनका एक्सप्रेशन देखते हैं, छोटे छोटे सारे प्रोडक्ट्स, क्योंकि छोटे छोटे सारे सामान बहुत लंबे टाइम बाद हमारे घर पे वापस से छोटे 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 सामानों का ढेर लगने वाला है, कुछ लगा लिया है और कुछ और लगने वाला है। तो मैं बुलाती हूँ पतिदेव को, फिर मिलती हूँ आपसे। सो आ गए हैं आपके जीजू, सो पतिदेव जी
ये मैंने शॉपिंग की है भाई। हमारे होने वाले बेबी के लिए। कब? वो तो मैं दिन भर यही करती हूँ, टां 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 टां, बस यही मेरा फेवरेट काम है। मैं आपको सारी चीजें दिखाती हूँ, ये देखो बहुत सुंदर, इतना सही हो गया बच्चा। हाँ होते हैं तो इसे भी छोटा होता है, इतना कपड़ा आ जाएगा, इतना सा। हाँ इतना सा कपड़ा आ जाएगा, इसमें भी वो बड़ा ही रहेगा, टेंशन मत लो। क्या होता है ये पता है, क्या है ये हैंड्स वाले होते हैं, क्योंकि ये खाएगा फिर। ये मंगवाया है मैंने, एक ही सेट मंगवाया क्योंकि ये हर बच्चा मुंह में हाथ डालता है, हर बच्चा। अरे डालता है यार, ये देखो कोई जरूरी नहीं होता, छोटे छोटे से कितने क्यूट से है ना, सुंदर लग रहा है ना। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ सबसे कितनी आएगी है, ये क्या आएगी? आपके जीजू बोल रहे हैं कि छोटा सा बेबी के ये एक तो सा आएगा कैसे? आए, तो वो एक तो सा तो होगा, एक तो सा तो होता है वो, एक तो सा नहीं होगा, एक तो सा ही होता है वो, यूं एक तो सा बस। ये ज्यादा छोटे है? नहीं है ज्यादा छोटे, ज्यादा छोटे है, ठीक है। ये मंगवा लिया मैंने ड्राई शीट, क्योंकि बहुत मजे कर लिए हमने, अब ये बेड पे ये लगने का टाइम आ गया है। ये क्या है? ड्राई शीट है, मतलब पूरे बेड को कवर करना है, उसके बाद ऊपर बेडशीट लगानी है, समझे? ये देखो, पता है हेमंत क्या बोला देख के, बोला आपने मामा पिंक क्यों मंगवाया, कल को ब्लू बॉय हो गया तो कोई बात नहीं, उसको मैं पिंक से ही कट करवाऊंगी। कोई तो चीज पिंक मंगवाओ ना यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। हाँ ऐसे थोड़ी ना होता है यार, और ये देखो ये वो जो गर्मियों का टाइम आ रहा है ना कवर करके, और मुझे सबसे अच्छा लगा ये टॉवल, आपके जीजू बोलेंगे मेरे पास भी अच्छा टॉवल नहीं है, ये देखो इतना सॉफ्ट है, हाथ लगा के देखो। ये टॉवल है वो क्या है? वो तो बाहर लेके जाने वाला है, ये टॉवल करके नो ऐसे वाला तो पैक का हो रहा है, ये ऐसे होता है वैसे वाला पैक, ये वैसे वाला पैक वाला, ये रहा ना, ये रहा, मैंने आपके सारे पैसे खर्चे किए हैं, यू डोंट वरी भाई साहब। अभी तक तो इसका पार्ट टू भी आएगा शॉपिंग का, आप लोग बने रहना, क्योंकि मैंने और भी बहुत सारी चीजें मंगवाई हैं। इसको थोड़ा उधर किसका पुराना घर है, नहीं कपड़ा बहुत मुझे तो। हाँ 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 क्या ये सोने वाला बेड है, ये तो पता है हेमंत क्या बोल रहा था इसको देख के। हेमंत बोलता मम्मा इसके अंदर उसकी सांस नहीं उठेगी, इसको एक काम करना मम्मा इसके अंदर सुला देना और इसको खोल देना, मच्छरदानी ना तो हम कभी मच्छरदानी में सोए नहीं गया, बच्चों का टाइम होगा। हाँ और ये बैग मंगा लिया इधर उधर जाने के लिए, ये भी मैंने थोड़ा सा पिंकिश पिंकिश मंगा लिया, और बस एक बार का थोड़ा बहुत मैंने सामान मंगवा लिया है, ये डलिया वगैरह है, इतना बहुत है। ये देखो ना ये बेबी क्रेडल, ये झूला नहीं है, मतलब ये ना कहीं पे भी लगा के छोड़ दो और बेबी को उसमें, हाँ थोड़ा नींद आ जाएगी, हाँ उस हिसाब से है। और ये आज के टाइम में ये सबसे ज्यादा चल रखा है, ये तो डायपर है, और ये ना ये तो डिस्पोजल वाला डायपर है, और ये वो है कपड़ा वाला है, ये वॉशेबल वाले हैं, इतना कपड़ा बंद होएगा कुछ नहीं, हाँ तो फिर डायपर यार टाइम चेंज हो रहा है ना, इतने तो कुछ किए नहीं, दो तीन महीने थोड़ा रहता है, हाँ बहुत रहेगा, बहुत हेक्टिक टाइम रहेगा, मैं एक्साइटेड भी बहुत हूँ, धड़कन भी जैसे ऐसे धक धक हो रही है, कैसे एक बार उसका टाइम टेबल पता चल जाए तो उस हिसाब से चल लेना बस। हाँ उसके होते ही टाइम टेबल पता चल जाए, तीन चार दिन बाद पता चल जाएगी, और क्या बच्चे ऐसे बच्चे के कोई तीन चार दिन बाद पता चलती है, चल जाती है, हम लोग नोटिस नहीं करते हैं, बाकी तो होता है, ये पता नहीं क्या होने वाला है। ये रुमाल भी मैंने मंगवा लिए हैं, तो कैसा लगा कुछ क्या बात है, मैंने कुछ सामानों के लिस्ट और बनाए हैं जो भी मैंने, और हो जाएगा इतने से, हो जाएगा, अरे नहीं होगा इतने से हो जाएगा, मैंने उसका भी ऑर्डर देने को है, वो सामान देख रही हूँ मैं, क्योंकि बेबी आने से मेरे को सारी चीजें टिप टॉप चाहिए कि भाई हाँ मेरी सारी चीजें हो जाए, क्योंकि फिर आप क्या क्या करते हैं, नहीं तो एक तीन बड़ा कपड़ा लाते काटते जरूरत का काम में लेते रहते,
हमें बहुत सारी चीजें चाहिएंगी यार, बहुत सारी चीजें। तो गाइस आप लोगों को कैसा लगा ये वाला ब्लॉग जरूर जरूर कमेंट में बताना। ये तो मैंने एक बार छोटे वाले मंगवाए हैं और इसका पूरा सेट मंगवाऊंगी, पूरा किट समझे। वो मैं एक बार चाह रही हूँ कि एक बार बेबी आ जाए, बस एक बार जो टेम्पररी जो जरूरत है स्टार्टिंग में वो क्योंकि ये सारा ना हॉस्पिटल बैग में भी मुझे कुछ चीजें डालने के लिए चाहिएंगी, अभी और कुछ चीजें बाकी हैं। फिर आपको हॉस्पिटल बैग वाला जो होगा ना वो अलग से पूरा ब्लॉग दूंगी, इसमें आपको पता चलेगा कि मैंने ये सारे सामान रखा है। ये डलिया है ना, इसमें बच्चे के सारे सामान रखे जाएंगे, इसमें सारे ड्रेसेस वगैरह सारे इसमें रखूंगी। स्टार स्टार हो गए, तो स्टार ही आ रहा है, ये आ रही है, तो कम फिल्म है, आने से पहले अपने पापा के इतने पैसे खर्चे करा लिए, आने के बाद क्या होगा बताओ। सो ओके, हमारी बातें ऐसी होती रहेंगी। आप लोगों को ये वाला बेबी शॉपिंग पार्ट होल वन कैसा लगा जरूर जरूर कमेंट्स में बताना। और हाँ, मुझे और क्या क्या मंगवाना चाहिए, आप लोगों को लग रहा है कि ये चीज दीदी मिसिंग है वो भी मुझे कमेंट्स जरूर जरूर बताना। प्लीज मुझे गाइड करना क्योंकि मेरी ये जर्नी 10 साल बाद वापस से शुरू हो रही है ना। सो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ और बहुत ज्यादा नर्वस भी, सारी चीजें कैसे मैनेज करूंगी, कैसे क्या होगा, गुड नोज है, ठीक है, सब अच्छा अच्छा होगा। सो आप लोग खूब सारा प्यार देना, आशीर्वाद देना, ब्लेसिंग देना। बाय बाय करो, बाय बाय।